अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर व्यूअर्स, मैं ज़हूर ज़मीर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हम सभी जानते हैं इस लॉकडाउन में अगर किसी का लॉस हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो है हमारे स्टूडेंट्स। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं तीन ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इस लॉकडाउन में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है और कुछ स्कूल जो है अभी करवा रहे हैं और कुछ टीचर्स जो है चाहते तो हैं कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाएँ, लेकिन पढ़ाएँ तो कहीं से पढ़ाएँ, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं जानता हूं कि आप लोग आप में से बहुत सारे लोग इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते होंगे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए, और जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है गूगल मीट। गूगल मीट ये छोटी सी एक एप्लीकेशन है, सिर्फ 12 MB की ये एप्लीकेशन, लाइट एप्लीकेशन है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है, इसमें आप ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकते हैं लाइव वीडियो के थ्रू। तो इसमें आप एक टाइम पे 250 पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी अगर आप एक टीचर हैं तो आप 250 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करके लाइव वीडियो के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, एक लिंक जनरेट करना होता है। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको एक लिंक जनरेट करने के बाद उस लिंक को आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप शेयर करते हैं तो स्टूडेंट उस लिंक के थ्रू आपकी वीडियो कॉल पर ऐड हो जाता है। वैसे ही हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में आप अगर एक टीचर हैं तो आपको क्या करना होता है, आपने इसमें क्लासरूम जनरेट करना होता है। इसमें अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप इसमें अपने टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे सकते हैं, आप वहाँ से आंसर भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को टास्क भी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स के थ्रू इस एप्लीकेशन में आप तक अपना टास्क पूछा सकते हैं। तो ये गूगल क्लासरूम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप नहीं है, इसमें सिर्फ आप नोट्स शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है जूम ऐप। जूम ऐप ये भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ये लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है। केवल 33 MB की एप्लीकेशन है, इसमें आप सिंगल टाइम पे 100 पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप शेड्यूल बना सकते हैं कि आप कितने बजे लाइव आएंगे, और उसी तरह से जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी शेड्यूल के हिसाब से आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐड हो जाते हैं। तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिनके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते हैं, टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।